My name is Priya. Welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are well. So guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ देहरादून का फेमस सनसेट पॉइंट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पर है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लेट्स गो। देहरादून में आपको सबसे पहले सहस्त्रधारा रोड पर पहुंचना है। अगर आप कहीं भी रहते हैं, देहरादून के किसी भी कोने में रहते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं माल देवता वाले रास्ते से जाने वाली हूँ सहस्त्रधारा रोड। सो जब हम माल देवता वाला रूट फॉलो करेंगे तो आप आगे आओगे और आगे आप देखोगे एक रूट जो है वो माल देवता को जाता है और दूसरा रूट है वो कट जाता है, आधे से ही वो जाता है हमारा सहस्त्रधारा रोड को। तो हमें वो वाला रूट फॉलो करना है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा बोर्ड लगा है सहस्त्रधारा और हेलीपैड जाने के लिए, तो आप इस रास्ते जा सकते हैं। तो अभी ये रोड की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है, आप जा सकते हैं आराम से बहुत इजिली। आप जो रोड के साइड पर नदी देख रहे हैं, ये नदी बहुत पानी रहता है। इस नदी में जब बरसात आती है, और बहुत बार यहाँ पर ये रोड भी टूटी है बरसात के टाइम पर। आई डोंट नो ये नदी में ऐसे घर बनाकर अभी मजबूरी में रह रहे हैं या क्यों रह रहे हैं, अभी इनके लिए ये अच्छा है। बट लिटरली बरसात के टाइम पर यहाँ पर इतना पानी आता है कि सड़कें जो है वो टूट जाती है, तब इनके लिए ये रिस्क हो सकता है। अभी जो ये रोड है ये उतनी अच्छी नहीं लग रही है, मतलब आपको लग रही होगी बट मुझे ये अभी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। जब यहाँ पर पेड़ पूरे हरे भरे होते हैं, पानी बह रहा होता है, बहुत ही अलग नजारा होता है, और जो फीलिंग होती है नेचर को देखने की नेचर के बीच में, वो बहुत ही अलग होती है। बट मुझे ऐसी रूट काफी ज्यादा पसंद है जिसके आर पार मतलब पेड़ हो और बीच में सड़क हो, फिर नदी हो, फिर पहाड़ हो, घर हो, ऐसी रूट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मालदीव तक के इस रास्ते आते हो सहस्त्रधारा और मसूरी को जो जाता है, तो यहाँ पर ये पुल है। सो यहाँ पर ये पुल है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर आप कोई शूट करना चाहते हो या प्रोफेशनल फोटो शूट करना चाहते हो तो ये लोकेशन आपके लिए बेस्ट है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप कोई फोटो शूट करना चाहते हैं तो आप इस लोकेशन पर आ सकते हैं। चलिए अभी हम आगे चलते हैं और आपको सनसेट पॉइंट दिखाते हैं देहरादून का टॉप नंबर का। सो जब आप ये ब्रिज क्रॉस करते हो, इसके बाद जब आप आगे आओगे, एक रूट जाता है हमारा सहस्त्रधारा को, एक जाता है हमारा देहरादून और मेन हेलीपैड जाने के लिए। सो जब आप रोड को आगे फॉलो करते हुए आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे पैसिफिक गोल्फ स्टेट, एंड इससे आपको आगे आना है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको और आगे आना है, आगे आना है, आगे आना है। सो गाइस जब आप पैसिफिक गोल्फ से आगे आओगे तो आपको ये जो बोर्ड दिख रहा है चालंग मार्ग, मैंने यहाँ पर वीडियो आराम से स्लोमो में कर दी है, आप आराम से देख सकते हैं, आपको यहाँ जाना है। सो जब आप इस गली में टर्न करोगे तो आप आगे आओगे, आगे आओगे, आगे आओगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से गाड़ी को टर्न करना है। जब आप आगे आओगे तो आपको तीन रास्ते दिखेंगे और यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमें जाना कहाँ है। एक जो आप देखेंगे सीधा आगे को जाता है, ऊपर को जाता है, आपको वहाँ पर नहीं देखना। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आप मेरी स्कूटी देखिए, आपको ये जाना है जहाँ जहाँ मेरी स्कूटी जा रही है, फिर मैंने टर्न करा है, आपको भी यहीं पर से टर्न करना है। गाइज यहाँ पर आप पॉज करके देख लीजिए। सो जब आप आगे आओगे तो आपको यहाँ पर एक सीधी चढ़ाई मिलेगी, यहाँ पर मेरी स्कूटी नहीं चढ़ पाई इसलिए मैंने अपनी बहन को जो है वो उतार दिया है। और जब आप ये चढ़ाई क्रॉस कर लोगे उसके बाद आपको ऑफ रोड मिलेगा थोड़ा, मतलब ऊपर पॉइंट तक जाने के लिए। सो जब आप ये रूट फॉलो करोगे तो फाइनली आप पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन पर, अपनी लोकेशन पर। अभी हम मेन लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे टू व्हीलर हैं, सब लोग यहाँ पर सनसेट जो है वो देखने के लिए आए हैं। और अभी चलते हैं आगे, और मैंने अपनी स्कूटी यहाँ पर पार्क कर दी है,
तो अभी फटाफट चलते हैं ताकि इससे पहले सनसेट हो जाए पूरा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैग लगे हैं पूरे। वाओ, अभी से मुझे जो व्यू है वो नजर आ रहा है, इतना सुंदर। और सनसेट जो है वो होने ही वाला है, उससे पहले आप यहाँ की लोकेशन देखो, यहाँ पर लोग आए हैं और अभी हम आगे दिखाते हैं आपको। सो अभी हमारे साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और ये जो गोल्डन आर होता है ना, इसके लाइट आप देख सकते हैं पूरी येलोइश येलोइश और बहुत सुंदर है यहाँ पर आकर, और बहुत अच्छा लग रहा है और काफी यू नो कूल। सन की गोल्डन लाइट्स हैं वो पूरे माउंटेन में पड़ रही है, तो इट्स टू अमेजिंग, तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। सो गाइज, अभी हमारा आधा जो है वो सनसेट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, इट्स अमेजिंग। तो अभी जब तक पूरा सनसेट होता है हम वेट करते हैं, मैंने फोन लगाया है, मैं पूरा प्रॉपर आपको दिखाऊंगी, तब तक हम वेट करते हैं। और एंड इस व्यू पॉइंट से हमारा 360 जो है वो पूरा देहरादून दिखाई दे रहा है गाइज। वाओ, इट्स अमेजिंग। और ये सामने रहा हमारा पैसिफिक गोल्फ, और भीड़ तो आप देख सकते हैं। एंड ये ऊपर यहाँ पर रहा एक मैगी पॉइंट, ये देखिए बहुत ही सुंदर लोकेशन पर, बहुत ही सुंदर। और गाइज, इस लोकेशन पे आके एक छोटी सी सजेशन दूंगी कि जो लोग भी इधर आते हैं और ये यू नो बियर वियर पिए, बहुत ज्यादा गंद फैलाया है, तो ये जो भी गंद फैलाते हैं अपने घर इसे जरूर ले जाए। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी लोकेशन को बिल्कुल खराब ना करें, यहाँ पर पीते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी है वो अपने घर घर ले जाए, है ना, मतलब अच्छी लोकेशन है, इसको साफ रखे सुथरा रखे। एंड गाइज, आप ये देख रहे हो, मुझे लगा पता नहीं झाड़ियों में कौन है, माय गॉड, मैं डर गई थी। वाओ, और ये जो आप सामने देख रहे हैं, हम इस रूट को फॉलो करते हुए आए हैं, और ये रहा ये रहा ये रहा और ये रहा आपका सनसेट पॉइंट। यहाँ पर आकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट उससे ज्यादा मतलब मुझे सनसेट देखते हुए काफी मजा आया जो हो रहा है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो रहा सनसेट पॉइंट का मैगी पॉइंट। और यहाँ से मैं नीचे आई हूँ और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, तो मैं यहाँ पर नीचे आई हूँ और नीचे की लोकेशन आप देखिए गाइस, वाव, बहुत ही सुंदर, वाव, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो अगर आप आते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है तो आप यहाँ पर नीचे आ सकते हैं, नीचे का व्यू उससे भी ज्यादा सुंदर है, आप ये देख सकते हैं। और कभी मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं आपको दिखाऊं सनराइज होते हुए, तो मैं आपको वो भी जरूर दिखाऊंगी, बट साक्षात मुझे जो सूर्य देव है वो ढलते हुए देख लिया है मैंने, मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड था यहाँ पर, सब कुछ जो है वो गोल्डन गोल्डन लग रहा था। सो जब सनसेट हो रहा था तो सब कुछ ना बिल्कुल गोल्डन गोल्डन लग रहा था, और वो चीज देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। अगर आपने कभी नहीं देखा तो जरूर यहाँ पर आना और इंजॉय करना, आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भाई खुद तो 80 की स्पीड में जा रही मैडम। सो हे एवरीवन, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने ये सनसेट
सो गाइस आगे खाली सुबह से बट यहाँ और आराम से चढ़ना है उस रोड पर, मतलब उस गली पर, और भाई जो दौड़ नहीं सकता ना है।